फिल्म शुरू होती है और एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा दिखता है। अब शुरू होता है फ्लैशबैक और कैम्ब्रिज में इंग्लैंड में 1963 का वक्त दिखाया जाता है और दो लड़के साइकिल पर रेस कर रहे होते हैं जिसमें से एक ने ऑप्टिकल ग्लासेस लगा रखी होती हैं। एक्चुअली ये मेन करेक्टर है जिसका नाम स्टीफन हॉकिंग है। फिर वो एक घर में चले जाते हैं और एक जगह रुक कर जहाँ पार्टी हो रही होती है। फिर वहाँ टू लेडीज आ जाती हैं जिनमें से सेकंड मेन करेक्टर एक गर्ल होती है जिसका नाम जेन होता है। जैसे ही स्टीफन की नजर उस लड़की जेन पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ जाकर उससे बात करता है और उसको हेलो बोलता है। फिर जेन पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर स्टीफन कहता है कॉस्मोलॉजिस्ट। वो पूछती है ये क्या है। इस पर वो कहता है ये एक मजहब की किस्म है इनके लिए जो जहीन एथियस्ट होते हैं। फिर वो लड़की जेन पूछती है कॉस्मोलॉजिस्ट की इबादत क्या होती है। इस पर स्टीफन कहता है कि वन सिंगल यूनिफाइंग इक्वेशन जो कि हर चीज को जो दुनिया में मौजूद है उसके बारे में बताती है। फिर जेन जाने लगती है। जेन जाते हुए कहती है अच्छा लगा तुमसे बात करके, मुझे उम्मीद है तुम अपनी इक्वेशन को पालोगे, और बाय कहकर चली जाती है। फिर एक क्लास दिखाई जाती है जहाँ प्रोफेसर स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम अपने डॉक्टोरल जर्नी की तरफ जा रहे हो। प्रोफेसर की तरफ से सारे स्टूडेंट्स जो कि बैठे होते हैं उनको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्टीफन जब उसकी आँख खुलती है तो आफ्टरनून के बाद का टाइम होता है। स्टीफन का फ्रेंड पूछता है तुमने कितने सवालों को हासिल किया है, लेकिन स्टीफन ने किसी क्वेश्चन को देखा भी नहीं होता। इसका दोस्त कहता है कि स्टीफन क्या वाकई तुम अपनी मर्जी से पीएचडी फिजिक्स इतने मशहूर कॉलेज जो कि इंग्लैंड में है हासिल करना चाहते हो, और वो हाँ में जवाब देता है। ये कहकर इसका दोस्त चला जाता है। दोस्त के जाते ही स्टीफन अपने बेड से उठता है, म्यूजिक प्ले करता है क्योंकि इसे म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और इन क्वेश्चंस को पढ़ने लगता है जो कि प्रोफेसर ने दिए थे कि अचानक इसका हाथ एक बड़े कप पर लग जाता है और वो गिर जाता है जिससे इसके कुछ पेपर्स खराब हो जाते हैं। प्रोफेसर की दोबारा क्लास होती है। सब स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ बैठे होते हैं जबकि स्टीफन देर से पहुंचता है। अंदर आने के बाद सॉरी बोलता है। प्रोफेसर सबका वर्क चेक कर रहे होते हैं। स्टीफन की जब बारी आती है तो वो अपना वर्क प्रोफेसर को देता है जो कि कार्ड्स पर किया होता है। सब हैरान हो जाते हैं। स्टीफन कहता है कि मैं सिर्फ 9 क्वेश्चंस कर पाया हूँ। इसका दोस्त हैरानगी से कहता है कि 9। प्रोफेसर क्वेश्चंस को उसका सलूशन देखने के बाद उसे ब्रेवो कहता है। फिर प्रोफेसर स्टीफन को एक लेबोरेटरी में लाते हैं, बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और रदरफोर्ड ने एटम को स्प्लिट किया था, और मैं नेक्स्ट फ्राइडे कुछ ग्रेजुएट्स को मेरिट की बेस पर लंदन ले जा रहा हूँ, और अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तुम भी मेरे साथ जा सकते हो, क्योंकि वो सब वहाँ मैथमेटिशियन रोजर पेनरोज को अटेंड करेंगे। अब दिखाया जाता है कि स्टीफन अकेला बैठा होता है और वहाँ जहाँ जेन जाती है, एक्चुअली ये चर्च से बाहर वाली जगह होती है। जैसे ही जेन बाहर आती है वो उसे बात करके उसे लंच पर इनवाइट करता है। जेन स्टीफन के घर चली जाती है जहाँ स्टीफन की पूरी फैमिली होती है। स्टीफन का फादर पूछता है क्या तुम पढ़ रही हो आजकल, तो वो बताती है मैं आर्ट्स पढ़ रही हूँ। स्टीफन जेन से बातें करता है कि सितारे कब पैदा हुए और कब ये खत्म हो जाएंगे, ये सब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देते हैं, इसलिए अगर हम आसमान में रात को अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकते तो तमाम सितारे तकरीबन गायब हो जाते। स्टीफन जेन से साइंस के बारे में बातें करता है और जेन भी खुश होती है। फिर फायरवर्क होता है और स्टीफन खुश होते हुए उसको वाओ बोलता है। फिर जेन आसमान की तरफ उड़ते हुए बैलून्स को देखकर कहती है कि शुरू में सिर्फ जन्नत और जमीन थे और जमीन की कोई शक्ल फॉर्म नहीं थी और अंधेरा था। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि स्टीफन दूसरे बॉयज के साथ एक जगह जा रहा होता है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते स्टीफन का पांव लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो खुद को स्टेबल करके ट्रेन की तरफ जाता है। फिर वहाँ प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं। स्टीफन ये लेक्चर बहुत गौर से सुन रहा होता है और बहुत ही गहरी सोच में होता है। बाद में स्टीफन क्लास के बाद एक कॉफी कप की तरफ देख रहा होता है और कहता है मैं हैरान होता हूँ कि क्या होगा अगर ब्लैक होल थ्योरी को अप्लाई किया जाए सारी दुनिया के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टीफन जेन से इस बारे में डिस्कशन करता है, जैसा कि अगर आइंस्टाइन ठीक है या जनरल रिलेटिविटी भी सही है तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया फैल रही है। अगर तुम टाइम को पीछे ले जाओ ये दुनिया छोटी से छोटी होती जाएगी, और अगर मैं इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दूं ये देखने के लिए कि बिल्कुल शुरू शुरू में वक्त के खुद के साथ क्या हुआ होगा। अब दिखाया जाता है कि स्टीफन प्रोफेसर के पास होता है और ब्लैक बोर्ड पर स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी के बारे में कुछ ड्रा कर रहा होता है। स्टीफन प्रोफेसर को कहता है कि ये दुनिया एक ब्लैक होल के एक्सप्लोड करने से पैदा हुई और फिर बाहर आ जाता है,
अभी वो चल रहा होता है कि अचानक से स्टीफन का पांव फिर से मुड़ जाता है और वो जोर से नीचे गिर जाता है। यहाँ से स्टीफन की असल कहानी शुरू होती है। डॉक्टर से फिर स्टीफन का चेकअप करवाया जाता है और बताया जाता है कि स्टीफन को मोटर न्यूरॉन डिसीज हो गई है। डॉक्टर बताता है ये बढ़ने वाला न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि दिमाग में मौजूद तमाम सेल्स को तबाह कर देता है जो कि इंसान की मसल्स एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि बोलना, चलना, निगलना, सांस लेना। ये एक्टिविटी दरअसल दिमाग की तरफ से मिलनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता मसल्स का डिके हो जाता है। वो अपनी मर्जी से हरकत करने की सलाहियत खो देते हैं मुकम्मल तौर पर और जिंदा रहना सिर्फ 2 ईयर्स तक ही हो सकता है। ये सुनकर स्टीफन खामोश हो जाता है, डरा हुआ और घबराया हुआ, क्योंकि फिर स्टीफन डरते हुए पूछता है आप ब्रेन के बारे में क्या कहते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि ब्रेन पर इसका कोई असर नहीं है, तुम्हारी सोचें नहीं बदलेंगी। फिर सॉरी कहकर डॉक्टर स्टीफन को अकेला छोड़कर चला जाता है क्योंकि ये स्टीफन की जिंदगी में मिसहैप हो चुका होता है। स्टीफन के फ्रेंड्स और जेन को इसकी डिसीज का पता चल जाता है। स्टीफन सबको अवॉइड करने लगता है और किसी से मिलना नहीं चाहता। आखिरकार जेन इसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और उससे अलग नहीं होना चाहती। अब स्टीफन स्टिक पकड़े चलने लगता है और क्लासरूम में जाता है और जाकर वर्ड टाइम बोलता है मुस्कुराते हुए। जेन फिर स्टीफन के डॉक्टर से मिलती है जो बताता है कि स्टीफन के पास जिंदा रहने का बहुत कम वक्त है, लेकिन जेन कहती है मैं और स्टीफन मिलकर इस बीमारी से फाइट करेंगे। अब जेन जानती है कि स्टीफन मर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो खुशी से स्टीफन को एक्सेप्ट कर लेती है और इनकी वेडिंग हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब ऐसा होता है कि स्टीफन का चलना और बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल डिसीज अपना असर दिखा रही होती है, लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी जाता रहता है क्योंकि इसे अपनी जिंदगी में कुछ करना होता है। अब इसके हाथ में 2 स्टिक्स होती है। प्रोफेसर इसे वेलकम कहते हैं क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। ये स्टडी हकीकत में ब्लैक होल्स के बारे में होती है और ब्लैक होल्स असल में स्टीफन ने भी प्रेजेंट कर दी होती है। प्रोफेसर इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरी कहते हैं और ये ब्लैक होल थ्योरी होती है। और वो पूछते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस पर स्टीफन कहता है कि नेक्स्ट स्टेप इसको साबित करना है सिंगल इक्वेशन के साथ दैट टाइम हैज अ बिगनिंग। सिर्फ एक सिंपल एलिगेंट इक्वेशन चाहिए जो हर चीज को साबित कर देगी और एक्सप्लेन भी। वक्त गुजरने के साथ साथ स्टीफन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब जेन स्टीफन के लिए व्हीलचेयर अरेंज करती है और खुद को हौसला देता है जेन को ये कहते हुए कि ये आरजी है, जिस पर जेन कहती है ऑफ कोर्स। जेन स्टीफन का बहुत ख्याल रखती है। जेन स्टीफन को जंपर पहना रही होती है कि अचानक अपने सेकंड चाइल्ड के पास चली जाती है। उसका जंपर उसके चेहरे उसके सर पर फंस जाता है और सामने फायरप्लेस में फायर चल रही होती है। वो जंपर की होल से उस फायर को देखता है और उसको एक आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन स्टीफन को व्हीलचेयर पर यूनिवर्सिटी ले जाती है जहां वो बहुत से प्रोफेसर को लेक्चर देता है और कहता है कि कुछ पार्टिकल्स हकीकत में एक ब्लैक होल से बच निकलते हैं, इसलिए ब्लैक होल्स असल में बिल्कुल ब्लैक नहीं है क्योंकि गर्मी की शुओं से ग्लो करते हैं। ये सुनकर सब प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। स्टीफन बताता है सबसे पहले स्टार ब्लैक होल में गायब हो जाता है और इसके बाद ब्लैक होल खुद भी गायब हो जाता है। ये सुनने के बाद एक प्रोफेसर खड़ा होता है और कहता है कि ये मुकम्मल तौर पर नॉनसेंस है। कुछ प्रोफेसर स्टीफन को सुनने के बाद रूम से चले जाते हैं और इस आइडिया को बेकार समझते हैं। फिर एक और प्रोफेसर खड़ा होता है, अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और वो कहता है कि मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं यहाँ सिर्फ नॉनसेंस ही सुनने के लिए आया हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कहूंगा कि स्टीफन ने बिल्कुल ठीक कहा है, और सब क्लैपिंग करने लगते हैं। अब स्टीफन इतना फेमस हो जाता है कि अपनी थ्योरी की वजह से कि इसकी बुक हॉकिंग रेडिएशन के नाम से पब्लिश हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि जेन बहुत परेशान रहने लगती है क्योंकि इस पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसको हॉकिंग की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। स्टीफन का फादर कहता है कि मैं तुम्हारी चॉइस में तुम्हारा सपोर्टिव रहा हूँ, लेकिन घर में किसी की मदद के लिए तुम्हें सपोर्ट के लिए एक नर्स की जरूरत है, तुम्हें अपनी सपोर्ट के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तुम दुनिया में बहुत मशहूर हो गए हो। स्टीफन अब घर में जेन को कहता है कि मुझे बॉर्डियक्स ओपरा में इनवाइट किया गया है। स्टीफन चला जाता है। स्टीफन को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है और वहाँ एक सेमिनार में बैठे हुए स्टीफन को कफ आती है और इसकी कफ में से ब्लड आ जाता है। फौरन स्ट्रेचर मंगवाया जाता है ताकि स्टीफन को हॉस्पिटल ले जाया जाए और आखिरकार वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि ये जिंदगी कैसे गुजारेगा, इसको सही करने के लिए इसकी गर्दन में एक होल करना पड़ेगा जो कि गले से बाईपास होगा, लेकिन वो कभी बोल नहीं सकेगा। जेन इसकी इजाजत दे देती है कहते हुए कि स्टीफन को जिंदा रहना है और स्टीफन का ऑपरेट हो जाता है, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता। जेन एक नर्स हायर कर लेती है ताकि वो स्टीफन का ख्याल रखे। अब वही नर्स स्पेलिंग बोर्ड से स्टीफन से कुछ पूछती है
ताकि वो अपनी आईज ब्लिंक करके जवाब दे सके। और आखिरकार नर्स स्टीफन को सही तरीके से समझने लग जाती है और बताती है जेन को कि ये एक परफेक्ट पेशेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट है, तुम बहुत लकी हो। अब स्टीफन के लिए नेक्स्ट व्हील चेयर अरेंज की जाती है और बताया जाता है कि ये हाइट एडजस्टेबल है और ये अल्फाबेट्स को स्कैन कर लेती है। इस टेक्निक को यूज करते हुए प्रोफेसर हॉकिंग 4 words per minute लिख सकते हैं। और एक काम और है, वो ये है कि ये लिखे हुए लफ्जों को स्पीच में बदल देगा। अब स्टीफन का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हल हो जाता है। वो जेन को बताता है कि इस सिस्टम के जरिए मैं एक किताब लिखूंगा जो होगी टाइम। और वो खुद से ही सवाल करता है जैसा कि टाइम की नेचर क्या है, क्या कभी ये खत्म होगा, क्या हम वक्त में वापस जा सकते हैं। किसी दिन ये सारे सवाल हमारे सामने वाजिया हो जाएंगे, जैसा कि जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, सिर्फ वक्त ही बताएगा। स्टीफन बहुत बिजी रहता है और हर वक्त कुछ न कुछ क्लिक करके लिखता रहता है। वो लिखता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और फिर कहता है कि मैं बहुत वक्त से यूनिवर्स के मॉडल को तलाश कर रहा हूँ और आखिरकार मैंने तलाश कर लिया है। वो अपनी इस क्रिपल लाइफ में भी मुस्कुराता है क्योंकि स्टीफन की नेचर ह्यूमरस होती है। स्टीफन की बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी पब्लिश हो जाती है। स्टीफन बहुत ज्यादा पीक पर होता है और एक साइंटिस्ट के तौर पर सब प्रेस रिपोर्टर्स इसकी व्हील चेयर के इर्द गिर्द जमा होते हैं और साथ में वही एलन नर्स भी होती है जो कि इसकी लुक आफ्टर करती है। इस यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है और ना ही इंसान की कोशिशों की कोई बाउंड्री है। हम सब मुख्तलिफ हैं। अगर जिंदगी बुरी नजर आती है तो हमेशा यहाँ ऐसा कुछ होता है जो कि हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है और हम कामयाब हो सकते हैं। जहाँ जिंदगी होती है वहाँ उम्मीद होती है। ये सुनते ही पूरा हॉल क्लैपिंग की आवाज से गूंजने लगता है। अब स्टीफन अपनी फैमिली के साथ होता है और प्रोफेसर स्टीफन को बहुत से ऑनरेबल तरीके से बुलाया जाता है। जेन स्टीफन को कंग्रेचुलेशंस बोलती है और कहती है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं। और फ्लैशबैक में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की पूरी जिंदगी दिखा दी जाती है। आखिर में बताया जाता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज पूरी दुनिया में बिकी। अब 72 इयर्स ओल्ड स्टीफन हॉकिंग रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने का कोई प्लान नहीं रखते, वो अभी भी अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में है।